अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट मैथ आर्ट्स चैप्टर नंबर 8 8.1 एक्सरसाइज। इसके हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आज हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए आपको ये सेट दिया है, बी ये सेट दिया है, सी ये सेट दिया है, आपने ये प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड लें क्वेश्चन मार्क, लेफ्ट साइड लें, ए की जगह ए का सेट, फिर इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, फिर बी की जगह बी का सेट, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, सी की जगह सी का सेट, ब्रैकेट क्लोज। जो लेफ्ट साइड पे लिखा है वही आपने राइट साइड पे लिख देना है। अब ये सेट तो एज इट इज़ उतार लें, इन दोनों में इंटरसेक्शन एक जैसा क्या है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी तो खाली आएगा। फिर इन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, ये हमने इनको इंटरसेक्शन करना है, यूनियन नहीं करना, इंटरसेक्शन। इन दोनों में फिर कोई चीज़ एक जैसी नहीं है, तो ये फिर एम्प्टी आंसर आएगा। राइट हैंड साइड देखते हैं, ये राइट हैंड साइड लिखें, ये जो थी पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाएं, फिर ए का सेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी का सेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन, फिर सी का सेट। इन दोनों में एक जैसा क्या है जी, कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 11 17, ये एज इट इज़ उतार ले। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो एम्प्टी आएगा। तो लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, लिहाजा प्रूव हो गया कि ये इसके इक्वल है। एक और क्वेश्चन देखेंगे यूनियन के हवाले से। अच्छा चलें ये साथ साथ, इफ़ ए ये सेट है, बी ये सेट है, सी ये सेट है, ये आपने प्रूफ करना है। ये आप लेफ्ट साइड पे लिखें, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, पहले ए लिखें, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, फिर बी, फिर यूनियन, फिर सी, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये एज इट इज़ इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे। तरतीब में लिखना है, देखें 3 4 6 दोनों में है, 8 9 10 वहाँ से लें, 12 यहाँ से लें, ये अरेंज हो गया। फिर इन्हें इकट्ठा करें, 2 3 4 6 आगे 8 9 10 12, ये आपकी लेफ्ट साइड कंप्लीट होगी। राइट साइड देखें, राइट साइड जो ये आपका लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखें क्वेश्चन मार्क, फिर राइट साइड लिखें ब्रैकेट पहले, फिर ए का सेट, फिर यूनियन, फिर बी का सेट, ब्रैकेट क्लोज, फिर यूनियन, फिर सी का सेट। इन दोनों को यूनियन करेंगे, 2 3 4 6 9 12 आएगा। इसका यूनियन करेंगे, 2 3 4 दोनों में है, 6 दोनों में है, 8 इधर है, 9 इधर है, 10 यहाँ से, 12 यहाँ से। अब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर दे दें, दोनों प्रूव है। अच्छा ये पहले बच्चों मैंने ना राइट साइड पहले की है, लेफ्ट साइड बाद में की है। पहले मैंने राइट साइड की है, ये देखें, फिर मैंने लेफ्ट साइड की है, यहाँ मैंने पहले लेफ्ट साइड की है फिर राइट साइड की है। बताने का मकसद ये कि आप ज़रूरी नहीं है कि पहले लेफ्ट साइड की जाए फिर राइट साइड की जाए, आप राइट साइड को पहले कर लें, लेफ्ट साइड को बाद में कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसलिए मैंने दोनों तरह से सवाल, दो क्वेश्चन दोनों तरह से किए। इफ़ ए ये सेट है, बी ये है, सी ये है, फिर ये क्वेश्चन इस जैसा ही आ गया, वेरीफाई दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट साइड लिखें क्वेश्चन मार्क, मैंने यहाँ पर राइट साइड लिखा था, अब मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ, कोई मसला नहीं ऐसा। पहले ब्रैकेट है, फिर ए सेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी सेट, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटरसेक्शन है, फिर सी सेट है। अब आप इन दोनों में कॉमन देखें कि F 3 5 7 दोनों में है, वो यहाँ लिख दें, इसको भी एज इट उतार लें। अब इन दोनों में 3 5 दोनों में है और वो आप नीचे लिख लें कॉमन एलिमेंट्स के में एक सेट बना लें, तो ये आपकी लेफ्ट साइड कंप्लीट होगी। राइट हैंड साइड देखें, पहले ए का सेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर बी सेट, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर सी का सेट, ब्रैकेट क्लोज। अब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इनको सॉल्व करें, 3 5 कॉमन आ रहे हैं, अब इन दोनों को मज़ीद सॉल्व करेंगे इंटरसेक्शन लेंगे तो 3 5 फिर आ रहा है कॉमन, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर बिल्कुल एक जैसा आ रहा है, हेंस प्रूव लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, इसके मज़ीद क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और नोट्स ज़रूर बनाएं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।